करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इन पीएचपी इन सी प्लस प्लस, असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। ओके, ऑपरेटर्स आर प्लस इक्वल टू, इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। माइनस इक्वल टू, एस्टरिस्क इक्वल टू, ओके, फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू। फॉरवर्ड स्लैश मीनिंग डिवीजन के लिए यूज होता है ना। परसेंट इक्वल टू, ओके, दीज ऑल आर द असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम इसका। एग्जाम्पल्स में क्या बता रहे हैं, यदि हमने एक वेरिएबल लिया है m, ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके कैसे लिखेंगे, m प्लस इक्वल टू 10। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा m इक्वल टू m प्लस 10। ओके, मीन्स m प्लस 10 का जब ऐड करेंगे हम और लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट कराएंगे m में बाय यूजिंग द इक्वल टू सिंबल, इट इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों है, क्योंकि m प्लस 10 ऐड होके लेफ्ट हैंड साइड में जो m है उसमें असाइन हो रही है वैल्यू, असाइन यानी उसमें जा रही है वो, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर रख दिया। ओके, लाइकवाइज माइनस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू में ये क्या बता रहा है, माइनस इक्वल टू में ये बता रहा है कि यदि हम लिख दे m माइनस इक्वल टू 10, अर्थमेटिक ऑपरेटर माइनस ले लिया, प्लस ले लिया, एस्टरिस्क, डिवीजन, मॉड्यूलस, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इक्वल टू का सिंबल लगा दिया है, बस सब में इक्वलिटी का सिंबल लगा दिया, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर बन गया। ओके, तो m माइनस इक्वल टू 10 लिखो या m इक्वल टू m माइनस 10 लिखो, इट इज द सेम सिंटैक्स। ओके, देयर विल बी नो चेंज इन टू द वैल्यूज। ओके, लाइकवाइज एस्टरिस्क इक्वल टू, एस्टरिस्क मीनिंग मल्टीप्लीकेशन, इफ वी राइट यूजिंग द ऑपरेंड्स m, देन एस्टरिस्क, देन इक्वल टू, देन 10। ओके, इट इज इक्विवेलेंट लाइक m इक्वल टू m मल्टीप्लीकेशन 10, उसके बराबर, m की वैल्यू 15 ही लेके चल रहा है ये। ओके, 15 माइनस 10 किया तो 5 आ गया है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 किया तो 150 आ गया है। ओके, लाइकवाइज डिवीजन। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने डिवीजन ले लिया, डिवीजन ले लिया और उसके बाद मैंने क्या करा, इक्वल टू का सिंबल लगा दिया, तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये बता रहा है, यहाँ ये 10 लिखना भूल गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर, m डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10, इट इज सिमिलर लाइक m इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 10। ओके, m की वैल्यू 15 है, m की वैल्यू 15 है, 15 को डिवाइड कर रहे हैं हम 10 से, तो 1 टाइम्स जाएगा ना, 10 वन जा 10 और 5 रिमाइंडर बचेगा। ओके, हमको रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमको कोशेंट से मीनिंग है। ओके, दैट्स व्हाई द रिजल्ट विल बी 1 बिकॉज ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस, द वे ऑफ राइटिंग इज m परसेंट सिंबल इक्वल टू 10, इट इज इक्विवेलेंट टू m इक्वल टू m परसेंट सिंबल 10। ओके, 15 डिवाइडेड बाय 10, 15 को 10 से हमने डिवाइड किया, जैसे इधर किया था हमने तो 1 परसेंट आया था, बट रिमाइंडर क्या आया था, 5 आया था। ओके, परसेंट सिंबल मॉड्यूलस मीनिंग रिमाइंडर। ओके, नाउ शेयर द प्रोग्राम, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर वी विल स्टार्ट विद, इट इज द कमेंट। ओके, वी कैन राइट यूजिंग द डबल फॉरवर्ड स्लैश एज लाइक यू आर राइटिंग इन सी लैंग्वेज। ओके, देन आई हैव इंक्लूडेड टू हेडर फाइल्स, सेम, इट इज सेम लाइक प्रीवियस। देन स्टार्ट विद
void main, it is the main function. Okay, now opening curly braces, I will initialize the variables as I am taking the variable int m equal to 20. Okay, यदि मैं m equal to 20 ले रही हूँ, तो अभी हमने जो assignment operators पढ़े हैं ना, 5, उन सब के syntax लिखते जाएंगे और automatically assignment होता जाएगा. कैसे होगा ये देखते हैं हम. Clear screen function हमने apply कर दिया, then मैं चाहती हूँ black screen पे insert हो जाए एक कमेंट, एक स्टेटमेंट. जैसे सी आउट लिखा मैंने, देन इंसर्शन ऑपरेटर, इनवर्टेड कॉमास में लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर मॉड्यूलस इक्वल टू इज एज फॉलोज. ठीक है, मैं मॉड्यूलस इक्वल टू को लेके चल रही हूं. यदि तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, एम मॉड्यूलस इक्वल टू 10. ठीक है, ये सेम चीज है. इसकी जगह यदि आप ये भी लिखते हो ना, एम इक्वल टू एम मॉड 20. ठीक है, मान लीजिए मैं 20 लेके चल रही हूं, इधर मैंने क्या कर दिया, 20 कर लिख दिया. ठीक है, मैं 20 लेके चल रही हूं. इसका मीनिंग क्या हुआ, m इक्वल टू m मॉड 20. अब देखो ऑलरेडी मैंने m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है ना, तो ये क्या करेगा, 20 को 20 से डिवाइड करेगा. ठीक है, क्या करेगा, इस सिंटेक्स के कारण क्या होगा, ऑलरेडी हमने क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, और इधर भी हम मॉड किसके थ्रू जा रहे हैं, 20 के थ्रू. तो ये जो हमने सिंटेक्स लिखा है, ये क्या करेगा, 20 डिवाइडेड बाय 20 या 20 मॉड 20, यानी हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. तो m में कितनी वैल्यू आ जाएगी, इधर 0 आ जाएगी. ठीक है, m में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी. तो सी आउट में हमारा क्या आ जाएगा, m मॉड्यूलस इक्वल टू 20 इज m में असाइनमेंट क्या हो चुका है, 0 हो चुका है. ओके, इसी तरीके से देखो मैंने क्या किया, एक मैंने वेरिएबल लिया फिर से, क्योंकि अब m की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो ये 0 को कंसीडर करेगा, इसलिए मैं फिर से असाइनमेंट करा रही हूँ. ठीक है, फिर से असाइनमेंट करा रही हूँ, और वैल्यू क्या लेके चल रही हूँ, फिर से 20. अगेन हम सी आउट करके इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके दो बार स्पेस आ जाए, नेक्स्ट लाइन में आ जाए, असाइनमेंट ऑपरेटर डिवीजन इक्वल टू इज एज फॉलोज. अब डिवीजन इक्वल टू में क्या होगा, मैं डिवाइड करा रही हूँ, क्या 20 को 10 से डिवाइड करा रही हूँ. ओके, 10 टू जा 20, यानी कोशंट हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा. लेकिन अभी हमको रिमाइंडर नहीं देख रहे हैं, हम रिमाइंडर हम देख चुके हैं, अभी हम सिर्फ डिवीजन देख रहे हैं. ओके, तो 20 को 10 से डिवाइड करा है ना, जैसे ऊपर हमने देखा था, सेम ये सिंटेक्स कैसे वर्क करेगा, ये सिंटेक्स वर्क करेगा m इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 10, मैं 20 को 10 से डिवाइड कर दी. ओके, देन अगेन सी आउट इंसर्ट करा देंगे हम, वैल्यू ऑफ m डिवाइडेड बाय 10 इज m प्रिंट कर देगा ये. ओके, इसका एक बार रिजल्ट देखते हैं, फिर आगे देखेंगे इस प्रोग्राम को. हाँ, तो आप देखिए आउटपुट स्क्रीन में, फर्स्ट हमने मॉड असाइनमेंट देखा है और सेकंड हमने डिवीजन असाइनमेंट. ओके, तो फर्स्ट लाइन ये क्या कह रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर मॉड्यूलस इक्वल टू इज एज फॉलोज. क्या हो जाएगा, m मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था, 20 लिया था ना, इसलिए सेकंड लाइन में इसने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ m मॉड्यूलस इक्वल टू 20 इज 20 को 20 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0, इसलिए 0 प्रिंट कर दिया. ओके, दो हमने बैक स्लैश एन लगाए थे नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, तो इसने दो स्पेस दे दिया हमें. ओके, नेक्स्ट लाइन में आ गया ये. देन थर्ड लाइन ये क्या बोल रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर डिवीजन इक्वल टू इज एज फॉलोज. डिवीजन इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ m डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10 इज
मैंने क्या लिखा था, एम में फिर से इनिशियलाइज करा था 20, है ना, तो 20 को 10 से डिवाइड किया तो 10 टू जा 20, इट मीन्स क्वेश्चन हमारा क्या आया, 2, और ये 2 ही दे रहा है. ओके ये हमारे दो असाइनमेंट ऑपरेटर है. अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने भी यही चीज करी थी, कॉपी करो कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट देन पेस्ट करो शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट अगेन पेस्ट करो शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट. ओके एक बार और कर लेते हैं, 5 ऑपरेटर्स हैं, शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट. ओके ये काम हमारा हो गया, इसको सेव कर देते हैं, ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया. ठीक है वी इरेज्ड इट, ये इरेज कर देते हैं एक बार को. ठीक है अब देखो आप ये भी देखना चाह रहे होंगे कि मैडम ने इधर फिर से 20 लिखा है, नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, तो एक बार मैं आपको कमेंट दे के बता देती हूँ. फंक्शन एफ टू, देखो यदि मैंने 20 नहीं लिखा, मैंने फिर से इनिशियलाइज नहीं किया था, तो आप देख रहे हो फर्स्ट लाइन में फिर सेकंड लाइन में 0 आया था, 20 को 20 से डिवाइड किया तो वो एम की मेमोरी में फीड हो चुका है 0, और 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज द आउटपुट इज 0, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 0 5 टाइम्स गेटिंग इट. इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव अगेन एंड अगेन इनिशियलाइज एम बिकॉज वी हैव ओनली 1 वेरिएबल. ओके इफ वी टेक डिफरेंट वेरिएबल्स 5 असाइनमेंट ऑपरेटर्स, दैट्स व्हाई इफ वी यूज 5 वेरिएबल्स देन इट विल बी मैनिपुलेटेड. बट इफ वी यूजिंग 1 वेरिएबल, जैसे मैं एक वेरिएबल यूज कर रही हूँ एम, तो मुझे एम की वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, अगेन और अगेन असाइनमेंट करना पड़ेगा. या मैंने 20 लिया, ठीक है, या प्रिंट करा दिया मैंने एम को, अब मैं क्या कर रही हूँ, एम की वैल्यू 40 ले लेते हैं. ठीक है मान लीजिए 40 ले लेती हूँ इधर. ओके और कौन सा ऑपरेटर अब हम देखते हैं, हम देखते हैं एडिशन वाला. ओके यहाँ कुछ चेंजेस कर देंगे हम, यहाँ भी प्लस सिंबल लिख देते हैं और इधर भी प्लस सिंबल लिख देते हैं, ये हमारा प्लस का हो जाएगा. ठीक है इधर भी कमेंट में हम प्लस कर देते हैं, समझ रहे हो, बस इसी टाइप से नेक्स्ट में भी करते हैं हम. ठीक है मॉड्यूलस वी हैव डन, डिवीजन अर्थमेटिक, नाउ नेक्स्ट इज डिवाइड, डिवाइड वी हैव डन, सब्ट्रैक्शन. ओके यहां भी हम सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगा देते हैं, इधर भी सब्ट्रैक्ट. ओके और स्टेटमेंट में भी क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट. अब मान लीजिए 20 में ऐड कर रही है 10 को, तो 50, यानी इधर वैल्यू क्या हो गई है, 50 हो गई है, तो 50 माइनस 10 कर देगा ये, यानी 40. इधर हम असाइनमेंट नहीं करा रहे क्योंकि हमें 0 का कोई डर नहीं है. ओके अब मल्टीप्लीकेशन करना है, एक मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लिख देते हैं, या मैंने मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगा दिया है, यहाँ यहाँ चेंज कर देते हैं हम. ओके एंड यहाँ. ओके देन 50 यदि आया रिजल्ट, 50 ने से 10 माइनस कर दिया. ओके इस तरीके से जो भी रिजल्ट आएगा ये आगे से आगे मैनिपुलेशन करता जाएगा. अब हम इनिशियलाइजेशन फिर से नहीं करा रहे. ओके इसको चेक करते हैं हम, यस ऑल्ट F9 कंट्रोल F9. तो देखो आप क्या देख रहे हो, स्टार्टिंग से हम इसका ड्राई रन कराते हैं ना एग्जीक्यूशन. फर्स्ट लाइन असाइनमेंट ऑपरेटर मॉड्यूलस इक्वल टू इज एज फॉलोज, वैल्यू ऑफ m मॉड्यूलस इक्वल टू 20 इज, स्टार्टिंग में मैंने m की वैल्यू ली है 20, तो 20
डिवाइडेड बाय 20 एंड वी वांट मॉड्यूलस और रिमाइंडर, तो उसने क्या दे दिया, जीरो, क्योंकि 20 बन जाए 20 पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। थर्ड लाइन देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर डिवीजन इक्वल टू इज एज फॉलोस, तो वैल्यू इसने क्या बता दी, 2। ठीक है, तो इसने 2 क्यों बताई, क्योंकि m की वैल्यू मैंने क्या दी थी, 20, 20 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 10 टू जा 20, 2 आ गया। देन मैंने फिफ्थ लाइन में लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू इज एज फॉलोस। देन सिक्स्थ लाइन, वैल्यू ऑफ m प्लस इक्वल टू, ओके, तो m प्लस इक्वल टू में ये क्या बता रहा है, फिर हमारी वैल्यू कितनी थी, इसने 50 दिया है, ठीक है, 10 इसने ऐड किया, यानी हमने 40 वैल्यू ली थी, तो 40 प्लस 10 इक्वल टू इसने क्या दे दिया,